हम कल अपनी स्टेटमेंट दे चुके हैं कि हम कारोबार 8:30 बजे बंद नहीं करेंगे। दुनिया में ऐसा नहीं होता कि वजीरे दिफा तवनाई के बारे में बात कर रहे हो, तो ये तो एक मतलब मिसालें हमें दे रहे हैं कि आप मगरिब के बाद जल्दी सो जाएं, सुबह जल्दी उठ जाएं, जब दीन की आपकी जरूरत हो तो फिर दीन को ले आए, वरना दीन को छोड़ दें। मैंने उनसे कहा कि दीन पार्ट टाइम नहीं है, ये फुल टाइम है। कारोबारी तबके को आप परेशान न करें, उसमें आप नाकाम रहे हैं, करप्शन जोरों पर रही है। ऐलान कर देंगे पूरे मुल्क में जो ताजर 10 लाइटें जलाता है वो 5 जलाएगा। दुनिया की मिसाल हमें न दे, दुनिया में पेट्रोल मुफ्त नहीं होता नहीं है। सबसे बड़ा बोझ आप हमारे ऊपर है, अरबों रुपए आपकी तनख्वाहें हैं, अरबों रुपए की आपकी मरात है। हम क्या करते हैं, सुबह से आते हैं रात 12-1 बजे तक जलील होते हैं, कौन शौक से काबू किया होता है। तो बराए मेहरबानी ये प्रोटोकॉल छोड़ दें, ये मुफ्त बिजली छोड़ दें, ये मुफ्त गैस छोड़ दें, ये जो मरात है आपकी ये छोड़ दें, ये हवाई जहाजों पे हुकूमत है भाई। 13 महीने भी अभी पूरे नहीं हुए, आपको आपने बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का। डार साहब को ऐसे बुलाया गया जैसे टार्जन की वापसी हो रही है, इतना शोर मचा। भाई ना करें इस मुल्क के साथ, ये मजाक ना करें। हम किसी सूरत भी 8:30 बजे दुकानें बंद नहीं करेंगे, और बिल्कुल नहीं, आप सियासी अदम इस्तेकाम का शिकार हैं। इलेक्शन हो जाए, देखिए मैं गैर सियासी आदमी हूँ, हम गुजारिश कर रहे हैं कि आप बराए मेहरबानी मुल्क में इलेक्शन कराएं। किसी टीवी चैनल पे कोई सवाल किसी मिनिस्टर से कोई करे, किसी MNA से करे, वो इमरान कहता है, इमरान खान। ओ भाई बस कर दे यार, मेहरबानी करें, अवाम की बात कर लें। मुल्क को अगर ठीक कर सकते हैं तो कर लें, नहीं तो इलेक्शन कराएं।